ओ भाई ये क्या है? अच्छा ओ भाई का न्यू बैकपैक। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मेरे ख्याल से गाइस आप सभी लोग बढ़िया होंगे और गाइस आगे भी बढ़िया रहना, ठीक है? समझ गया। तो यार इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे न्यू इवो M1887 के बारे में कि भाई दिखने में कैसी होगी, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसकी स्पेशल एबिलिटी क्या होगी और साथ में बात करने वाले हैं इसके इमोट के बारे में। अच्छा, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना भाई, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस ये रही अपनी न्यू इवो M1887 की स्किन जो कि आपको फर्स्ट लेवल पे कुछ ऐसे देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करें इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में तो जब लेवल 1 पे होगी तो इसका डैमेज सिंगल रेट टू फायर सिंगल और मूवमेंट्स पे डबल माइनस होने वाली है। और लेवल 2 पे अपग्रेड करने के बाद आपको इसका किल अनाउंसमेंट मिल जाएगा। और अगर बात करें लेवल 3 के बारे में तो इसका लुक चेंज हो जाएगा। लेवल 4 पे आपको इसका डैमेज इफेक्ट मिल जाएगा और साथ में इसका जो डैमेज सिंगल था वो डबल हो जाएगा। और अगर बात करें इसका लेवल 5 के बारे में तो इसका किल इफेक्ट और फायरिंग इफेक्ट दोनों को चेंज करके कुछ ऐसा मिलेगा। और गाइस जब आप इसको लेवल 6 पे अपग्रेड करोगे तो इसका लुक चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। और साथ में इसकी स्पेशल एबिलिटी जो है वो भी अनलॉक हो जाएगी। और गाइस ये रहा अपना इवो M1887 का इमोट जो कि भाई आपको लेवल 7 पे अपग्रेड करने के बाद मिलने वाला है। अब यार ये वाला इमोट आपको कैसा लगा भाई मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना। और गाइस ये जो अपनी इवो M1887 की स्किन है वो आपको बहुत जल्द फेडल विल के अंदर देखने को मिलने वाली है। और गाइस अगर बात करें इसकी कंफर्म डेट के बारे में तो 29 अगस्त को तुमको अपने गेम के अंदर ये वाला फेडल विल देखने को मिलने वाला है। और गाइस फेडल व्हील के अंदर आप लोग ये वाली स्किन को तकरीबन 1000 डायमंड के अंदर निकाल सकते हो। और अगर तुमको ये वाली स्किन निकालनी है तो भाई डायमंड को बचा के रखो क्योंकि भाई बहुत कम डायमंड के अंदर फेडल व्हील से ये वाली स्किन निकल जाती है। तो गाइस कौन कौन यार ये वाली इवो गन को निकालने वाला है प्लीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सबको प्यारा सा गुड बाय।